लोग हमें लूटने के लिए ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब कि पता नहीं ये क्या जानवर है कि क्या है, मतलब बिल्कुल जानवर वाला बिहेव कर रहा। जब मुझे ये पता चला मिट्ठू का कि जब उसने मुझे काट के, मतलब एक लड़की ने की, मतलब किन्नर है, मुझे बाद में पता चला ये बात में, तो ना मेरे दिल में बहुत हर्ट किया इस बात से। नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। दोस्तों, मैं आज आप सबके सामने एक ऐसे शख्सियत को लाई हूँ और मैं परिचय करवाने जा रही हूँ, जो पटियाला शहर में रहते हैं। वो एक ट्रांसजेंडर है, ट्रांस वुमेन है। बहुत सारे इनके नाम, और ये ऑलरेडी सिंगर भी हैं और बहुत सारे ऐसे समाज सेवा भी किए हैं इन्होंने, और इसके साथ साथ तो बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी के साथ इनके साथ आना जाना भी है। मैं ऐसे शख्सियत से मिलवा रही हूँ, उनके नाम है सिमरन महंत। नमस्कार सिमरन महंत जी, क्या हाल है? नमस्कार काजल जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, आपकी दुआ से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आपके सामने आई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ये विषय को लेके तो बहुत कुछ आजकल तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए जा रहे हैं। वो ये बात है कि जो मिट्टू लड्डा, जिस पर्सन के साथ आपकी शादी हुआ था, आप ट्रांस वुमेन थे, तो ट्रांस वुमेन के साथ उन्होंने शादी किए थे, तो 2 साल उन्होंने आपके साथ गुजरने के बाद, है ना, आपके साथ वो जो, मतलब आपके साथ जो भी किया है 2 साल, तो उसके बाद उनको पता चलता है कि ये किन्नर है। नहीं, तो एक ट्रांस वुमेन ने बोल के पता चलता है, तो आपको रिजेक्ट करने में आगे बड़े हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखो, अगर बिफोर लाइफ की आपने मेरे से बात करी है कि मतलब स्टार्टिंग से, बिगनिंग से, वो तो हमारी लाइफ में जो फेसेस होते हैं, जो हम ट्रांसजेंडर्स, हमारे किन्नर कम्युनिटी वाले जितने भी हैं, वो जो सोसाइटी से फेस करते हैं, वो तो एक डिफरेंट बात है, वो तो हमने करना ही करना है, वो तो हम सारे ही करते हैं। लेकिन उस फेसेस के साथ चलते चलते तो हमारी एक लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है। तो कई बार हमारी लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम अलोन भी हो जाते हैं, कई बार हमें अच्छे चेले नहीं मिलते, या कई बार गुरु नहीं मिलते, या उनमें डिस्प्यूट चलता रहता है, सही। या कोई हमारी सोसाइटी वालों से हमारा अप डाउन चलता ही रहता है ऑलवेज, तो हमें हटके हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, उस सोसाइटी से हटके फ्रेंड्स बनते हैं, तो वो जो फ्रेंडशिप होती है उसका एक प्यार होता है, तो वो कब टाइम के अनुसार धीरे धीरे मतलब काफी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब चलते चलते ऐसे मेरी लाइफ में वो मिट्ठू लड्डा जो था, एक किन्नरों का प्रोग्राम हुआ था 3 साल पहले होली पे, होली सेलिब्रेशन के लिए मुझे प्रीति महान जी ने वहां पे बुला रखा था संगरूर में। अच्छा, तो वो हमारे किन्नर है संगरूर वाले, तो वहां पे मैं गई हुई थी, विजिंदर सिंगला, पूनम कांगड़ा वहां के भी मतलब है, मतलब लीडर्स हैं कांग्रेस के, और ये भी कांग्रेस लीडर है मिट्ठू भी, और इसने मतलब वहां पे ये सब आए हुए थे, तो मेरे को उनके कुछ कांग्रेस लीडर सबके साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। अच्छा, तो ये वहां पे था मिट्ठू, मैंने भी इसको देखा, इसने भी मुझे देखा, तो वहां पे चलो मैंने इसको मतलब एज ए चीफ गेस्ट में वहां पे गई हुई थी, तो मैंने इनको मतलब सरोपा वगैरह पहनवाया, जब हम देते हैं ना सब काम आन करते हैं, हमारे घर में आए हुए थे सारे, चलो हमने करा, तो उसके बाद ये मतलब मेरे नंबर लेने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, मैंने इसको नंबर नहीं दिया वहां पे, आई स्वे ये ऊपर वाले को मान के। आज मैं ये जो, मैं सबसे पहले एक बात और बता देती हूँ सारी ऑडियंस को, कि ये जो इंटरव्यू दे रही हूँ उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ झूठ नहीं है, कुछ फेक नहीं है, और मैं बड़े सच्चे तरीके से, सच्चे दिल से ये इंटरव्यू देने वाली हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर वाले को हाजर नाजर मान के, ठीक है। मैं तो आसे मेरे इर्द गिर्द जो है
मेरे मैं जिसको मानती हूँ वो मैं उनको साक्षात मान के ये इंटरव्यू दे रही हूँ, इसमें कुछ गलत कुछ फॉर्मेलिटी या कुछ मुझे वो फेम बनाने के लिए मतलब मैं इंटरव्यू नहीं दे रही है, ये एक दिल की जो आपने मेरे से बात पूछी है, जो आजकल ये मेरे पे उंगलियां उठाई जा रही है, इसको क्लियर करने के लिए इसका क्लियरेंस दे रही हूँ मैं ऑडियंस को। तो उस वो जो मतलब जब वो मिठू लड्डा मुझे मिला था वहां पे, तो मैंने उसको वो सरोपा वगैरह डलवाया, सारा कुछ करा वहाँ पे, हमने खंड पाठ साहब का पाठ भी रखा हुआ था। तो उसकी जो वो फोटोज हैं वो लोगों को कहता कि नहीं ये सिमरन मुझे सोशल मीडिया पे मिली थी, गलत बात, वो मुझे पहली बार प्रीति महान जी के घर पे मिला था अपने बॉस के साथ विजेंदर सिंगला जी के साथ। देन उसके बाद फिर इसने मेरा नंबर फेसबुक में से रिसर्च करके, फिर मुझे मैंने वहां पे तो नंबर नहीं दिया इसको, तो उसके बाद ये मेरे को फोन करने लगा था, मैसेजेस करने लगा था। 10-15 दिन के बाद जब इसके फोन आएंगे, बात हमारी होएगी, चलो उस टाइम मैं अलोन थी, मैं लोनलीनेस फील करती थी कई दिनों से, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया थोड़े मतलब दिन में। तो फिर ये पटियाला आता जाता रहा, इसने बहुत सारी अपने बारे में बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं बुक्स लिखता हूँ, मेरे अच्छे सोच है, अच्छे विचार है, अपना अच्छा एक्सप्रेशन देता रहा मुझे। चलो मुझे हिप्नोटाइज कर लिया मिठू ने, तो मेरे को कॉन्फिडेंस में लिया इसने धीरे 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 धीरे, क्यों मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था तब, है ना। आजकल तो आपको सबको पता है मेरी लाइफ में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, तो आपको सबको ऑडियंस को भी पता है, सब देखते हैं यूट्यूब में भी देखते हैं, मेरा बहुत सारा विवाद चल रहा है। तो मतलब फिर मिठू ने मतलब मेरे से मतलब धीरे धीरे बात करके मतलब मेरे से मिलना गिलना स्टार्ट कर दिया, पटियाला में आता था, मिलता था, फिर डेरे में भी आता था। वो अब ये एक बात कहता है कि मतलब मुझे नहीं पता कि सिमरन, शादी के बाद मुझे फर्स्ट नाइट पे पता चला कि सिमरन किन्नर है, ये गलत बात है। वहां पे मेरा बार बार नाम अनाउंस हो रहा था कि सिमरन महंत पटियाला से, सिमरन महंत पटियाला से, और मैं खुद भी कह रही थी मैं सिमरन महंत पटियाला से, है ना। तो मतलब ये सब सारी दुनिया को पता है कि मैं कौन हूँ। नहीं एक्चुअली मैंने अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ हो तो ये क्वेश्चन मुझे वही सोशल मीडिया से पता चला था, मुझे भी सोशल मीडिया से ही पता चला था, तो वो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने रखी। मगर आपको शादी से पहले भी उनके साथ कहीं आना जाना था? हाँ मैं अभी बता रही हूँ, तो लेट मी कम्प्लीट इट। तो देन फिर क्या हुआ, ये मुझे फर्स्ट मतलब ट्रिप जो मेरा था लाइफ का इसके साथ, तो वो हम दोनों ने मिलके तय किया, इसने मेरी बायर टिकट करवाई, वो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई थी वहाँ पे मनाली की, तो कुल्लू में हमने जाना था, तो फिर बाय कार हम वहाँ से गए थे। मैंने आज भी ऑफिसर्स को बोला कि आप वो सारी डिटेल्स मेरे निकलवा के देखो, इसकी और मेरे सब लोकेशन एक साथ ही आएंगे। सबसे पहले मैं मनाली में गई थी इनके साथ, तो मनाली में जाके हमने 2 दिन स्टे किया वहाँ पे, कुल्लू में भी गए, मनाली में भी गए, और भी 1-2 प्लेसेस थी वहाँ पे भी गए हम दोनों, और मणिकरण साहिब गए। तो वहाँ जाके इसने बहुत सारी कस्में उठाई, मणिकरण साहिब भी, वैसे मुझे कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ सिमरन, आई कांट लेफ्ट यू, आई डोंट वॉन्ट लिव विदाउट यू। तो मुझे मैं बड़ा देखती गई, पहले तो वो मेरी शुरुआत थी, क्योंकि बॉयज होते हैं हमें हमारी कम्युनिटी के बच्चों को यूज़ एंड थ्रो फाइनेंशियली ये बहुत दिक्कत आती है, हमें फाइनेंशियली ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपने मतलब पीछे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, चाहे कि नर जो हैं जितने भी सुंदर हो, मतलब लड़कों से तो सब परेशानी है। तो मतलब इसने मुझे हटके विश्वास दिलवाया, मैंने इसको कहा था कि देखो मिठू मुझे अपने मम्मी पापा की कसम है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मैंने इनको बोला था कि मैं तो ट्रांसजेंडर हूँ, मैं किन्नर हूँ, तो आपको कैसे फेस करोगे। तो ये कहता फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं सिमरन मैं फेस करूँगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, है ना, और सब कुछ करके दिखाऊंगा, मुझे लाइफ तेरे साथ स्पेंड करनी है, बिताना है। वो मतलब जब वो देखता था मेरा लाइफ स्टाइल, मेरी लग्जरी लाइफ, मेरी ग्लैमर लाइफ, ये सब देखता था, तो वो इम्प्रेस था काफी इन चीजों से इम्प्रेस था। तो वो मतलब वो कहता था कि सिमरन नहीं आप लड़कियों जैसे मतलब आप लगते हो, पहले तो वो ऐसे ही कहता था। चलो फिर मतलब जब हम मिले तो वो फर्स्ट ट्रिप हमारा ओवर हुआ, उसके बाद हम इसकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई मेरी तरफ। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप हमारा शिरडी साईं बाबा का हुआ।
साईं बाबा जी के वहां पे जाके ये कहने लगा मिठू लड्डा, तो नहीं सिमरन मुझे तो रिलेशन को और बढ़ाना है। तो मैंने बोला अब चल तो रहा है। आप दोनों ही थे कि और भी? हाँ, मेरे साथ एक सोनाक्षी महंत है डड्डू माजरा से, वो भी मुझे लेके गई थी शादी से पहले, है ना, उनके बच्चे थे, उनका परिवार था। हाँ, नहीं उनके बच्चे थे, परिवार था, काफी गेस्ट थे। अच्छा, और मैं थी, एक दो मेरे चेले भी थे साथ में। अच्छा, हाँ, तो हम सारे वहाँ पे गए थे। तो सबके सामने इसने कसम खाई थी शिरडी साईं बाबा की, और मुझे साईं बाबा की भी कसम लगे, नहीं तो मैं तो सात जन्म की नर ही बनूं। चलो मैं ये इतनी परेशान हूँ क्योंकि जैसे वो कहता है कि नहीं जी मेरे को पता नहीं था, इसने साईं बाबा की क्या करा। चलो मेरी सुनने वाली बात है, प्लीज लेट मी कम्प्लीट इट। साईं बाबा के इसने कसमें खाई, क्या कहा कि नहीं सिमरन मैंने शादी अब करनी है तो तेरे साथ करनी है। तो मैंने बोला, मैंने साईं बाबा के मंदिर में बोला अगर हमारे बेबी ना हुआ तो फिर बेबी का कैसे करेंगे, आपको तो आपके मम्मी पापा बोलेंगे, सारे रिश्तेदार बोलेंगे आपने किन्नर से शादी कर ली, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता, हो सकेगा ये नहीं हो सकेगा। वो कह रहा कि इट इज अप टू मी नॉट अप टू यू। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने बोला चलो आप मेरी मम्मी से बात करवाना। तो एक दो बार इन्होंने मम्मा से भी बात करवाई, मतलब मैंने ये नहीं बताया था तब उनको कि मैं ऐसे किन्नर हूँ। हेलो हाय हुई मेरी, चलो मतलब इन्होंने वहां पे कसमें खा ली, कह रही मैंने चाहे कुछ हो जाए शादी तुम्हारे साथ करवानी है। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला ओके तो कोई बात नहीं, तो पंजाब जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैसा सर कैसी शादी होगी, कैसा क्या होगा, हमारी कुछ प्लानिंग नहीं थी, वहाँ पे तो कसमें खाई थी इसने। चलो वो भी ट्रिप ओवर करके तो हम वापस आ गए। तो वहाँ पे ये कह रहा था कि शादी करने के बाद भी हम साईं बाबा को थैंक्स करने आएंगे। मैंने बोला ठीक है इट्स ओके, ये भी ठीक है मान लिया। चलो आके फिर लॉकडाउन लग गया, फिर लॉकडाउन चल गया। लॉकडाउन में हमारी बात भी होती रहती थी, ये थोड़े बिजी रहने लगे, आ जा नहीं रहे थे घर पे डेरे में, नहीं तो डेरे में ही आते जाते थे क्योंकि वहाँ पे ये गांव के सरपंच थे, इन्होंने मतलब लॉकडाउन करके वो नाके नुके लगाए हुए थे, एक गांव से दूसरे गांव तक एक दूसरे को नहीं जाने देते थे, है ना, बिजी चल रहे थे। उन दिनों में हमारी बात होती होती थी तो ये कहते थे कि नहीं सिमरन जल्दी शादी करनी है। जब थोड़ी सी राहत मिली शादियों की तो वहाँ पे 50 बंदे अलाउड कर दिए थे गवर्नमेंट ने, मतलब न्यू गाइडलाइंस जैसे आती थी, है ना, 50-50 बंदों की, तो 50 बंदे इन्होंने अलाउड कर दिए थे। तो मैंने, मेरी फ्रेंड थी एक सोनाक्षी, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, मैंने उससे बात करी कि ऐसे ऐसे करके जो वो बात चल रही है तो मतलब वो हमें कम्प्लीट करनी है, तो मिठू शादी के लिए कह रहे हैं। उसके घर वाले भी उसके लिए रिश्ते ढूंढते थे मिठू के लिए, तो वो कहता था भी शादी मुझे करनी पड़ेगी तुम्हारे से, मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, नहीं तो वो कहेंगे भी तो वो तेरे को हम ऐसे तो रखेंगे नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है, इसने मुझे खुद कॉन्फिडेंस मिली है शादी के लिए। मुझे तो अपने वजूद पता ही था कि मैं किन्नर हूँ, हमारे साथ तो सब फेक करके जाते, मुझे पहले डर लगता था अंदर से, लेकिन जब ये कसम खाता था, कई बार बीच में हमारे बिफोर मैरिज एक दो बार हमारी लड़ाई भी हुई, वैसे हो जाती है लड़ाई झगड़ा, तो मैंने इसको बोला नहीं आप मुझे प्यार नहीं करते, आप तो मुझे वैसे यूज कर रहे हो फलाना ढिमका। तो आई स्वे इसने अपने मम्मा की कसम पे ऐसे हाथ रख के सर पे, तो मुझे फोटो व्हाट्सएप पे भेजी कि मुझे मम्मा की कसम मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, और तुम्हारे से ही शादी करनी है, तुम्हारे साथ ही लाइफ स्पेंड करनी है, चाहे मुझे कितने भी मतलब तूफानों का फेस करना पड़े। तो तब तो ये कहता था कि मैं हर फेस तेरे साथ करूंगा। मैंने बोला ठीक है चलो, लास्ट में फिर हमारी शादी हो जाती है दोनों की। तो शादी के लिए इसने बोला कि नहीं, मैंने बोला आप तो हिंदुइज्म से बिलोंग करते हो, मतलब मैं चलो सिखिज्म से हूँ, तो ये बोला कि नहीं मेरे को गुरु ग्रंथ साहब के आगे मतलब फेरे लेने हैं। लोगों ने उसका भी बड़ा त्राज करा कि एक ट्रांसजेंडर नहीं शादी कर सकते गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे, अकाल तख्त साहब का हमारा रूल है वो 2005 की रूलिंग है जो आजकल लेटेस्ट आ गई, शायद कुछ लोगों को उसके बारे में नहीं पता। चलो कर ली मैंने तो भगवान को साक्षात मान के, उसको साक्षात मान के अपने प्यार को बढ़ाकर मैं भी एक्साइटेड होने लग गई थी, तो मैंने अपना प्यार से मतलब शादी उसके साथ कर ली। और शादी की तो लाइक उसके बाद हमारा चलता रहा, फिर हमारी रिसेप्शन हुई। उसी दिन रिसेप्शन थी JW मैरिड चंडीगढ़ में है, तो वहाँ पे शादी हुई, तो वहाँ पे रिसेप्शन हुई, वहाँ पे बहुत उसके गांव के 3-4 लोग आ रखे थे मिट्ठू के उसके साथ। उसने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया,
मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा उसके दिल में मतलब छल कपट है कि वो उनको क्यों नहीं बता रहा, उसको क्यों नहीं लेकर आ रहा। क्या नहीं बताया था अपने मम्मी पापा को? उसने अपने मम्मी पापा को पहले ये नहीं बताया कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, है ना। तो हम लोगों ने जब मेरे फैमिली से सबको मिल गया, मेरा इनसे इंट्रोड्यूस करवा, सिमरन मेरा उससे करवा, मैंने तेरे से शादी करनी है कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मैंने सबसे मिलवाया अपने जीजू से, ब्रदर से, सिस्टर से, पेरेंट्स से। जब भी तुम्हें मिलवाया गया था उसने नहीं मिलवाया, नहीं मिलवाया, मैंने अपने पेरेंट्स को उससे मिलवाया। तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा यूज कर रहा है। मेरी शादी के ड्यूरिंग बिफोर शादी, शादी के पहले इसने यूथ कांग्रेस की इलेक्शंस लड़े थे। जब आपने पहले एक बार ये बताए, अपने इससे भी थोड़ी देर पहले ये बताए थे आपने, अपनी माँ के सर पे हाथ रख के वो कसम खाया था, वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजते थे ना, वो व्हाट्सएप पे भेज देते थे, मतलब सर पे हाथ रख के, हाँ, कि ये मेरी मम्मी है और मम्मा की कसम लगे, मेरे को फोटोज सबकी दिखा रखी थी। अच्छा, वो सामने से नहीं, तुम्हारे सामने से नहीं, नहीं नहीं नहीं, सामने तो मुझे मिलाया नहीं शादी से, शादी के बाद में मिली हूँ। अच्छा, मैं सारा बता रही हूँ आपको, सारी स्टोरी आज बताने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि सारे मीडिया वाले रोज मुझे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत बहुत लोग मतलब मेरा भी बहुत मिसयूज किया जा रहा है मिट्ठू की तरफ से आजकल, तो है ना, उसने भी मुझे बहुत बड़ा मतलब मेरे साथ ये क्राइम करा, ये धोखा करा मेरे साथ उसने। फिर मतलब शादी के पहले, शादी के पहले हमारे उसकी 2019 में एक यूथ कांग्रेस की सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, सॉरी ये सेक्रेटरीज की मतलब चुनाव थे, तो उस चुनाव में मैंने उसको खड़ा करा, पंजाब की यूथ सेक्रेटरी की जो इलेक्शंस थी, तो उसमें काफी सिंगरों से मैंने उसका प्रमोशन करवाया उस चीज का, है ना। उसका ये रुख था उस टाइम जिसको पेड़ बोलते हैं, ट्री, तो ये चौन निशान था। मैंने अपने फ्रेंड्स से, सिंगरों से, अफसाना खान से, जी खान से, अपना कई सिंगरों से मैंने डलवाया उसके, आज भी उसके सोशल मीडिया पे वो डला हुआ है। जब वो मतलब सिंगर्स तो सारे मुझे ही जानते थे, क्योंकि हमारे वहाँ पे जागरणों में आते रहते हैं, घर पे भी आते थे, सारे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, हर जगह मिलते रहते हैं, तो इसको तो कोई इतना जानता भी नहीं था। मैंने इसकी बहुत मदद करी और फाइनेंशियली जितना खर्चा आया वो सारा मैंने करा। ये इसने मुझे ये बात बोली थी शुरू से कि मैं मतलब बहुत गरीब परिवार से हूँ, सिमरन मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने बोला भी मुझे रब का दिया हुआ, मेरे पास खुद के पास सब कुछ है, मेरे बुजुर्गों ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, मतलब मैं जो लोनलीनेस थी उस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया भी कोई बात नहीं, जब मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान ही लिया तो पैसे की क्या बात है ना। तो ये बंदा धीरे 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 फाइनेंशियली यूज करने लग गया, मतलब मुझे मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरे ऑफिस में स्कैनर नहीं है, कैमरे नहीं है, एसी नहीं है, बेड नहीं है, ये सब फैसिलिटीज मैंने उसको ये पैदा करती रही प्यार के बीच भी। चलो कोई बात नहीं है ना, हमारा मतलब दोनों ने रहना, तो क्या इसमें कोई बड़ी बात, मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं थी। वो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपना अच्छे तरीके से रहती हूँ, जब ये घर पे जाता है एक दो दिन के लिए तो वो अच्छे तरीके से नहीं रहता, तो वो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता था, है ना। चलो मैंने इसकी फैमिली को भी अपनी फैमिली से ज़्यादा बढ़ के माना, इसकी मम्मी को, धीरे 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 हमारी आपस में मुलाकात भी होगी, इसने बताया धीरे धीरे अपने मम्मा को कि ऐसे ऐसे करके शादी हुई, मैंने मेरे को भी बुलाया, इन्होंने अपने घर पर नहीं बुलाया, इनके गाँव का एक मेम्बर है उसके घर पर बुलाते थे, तो उसकी मम्मी भी मुझे फर्स्ट टाइम वहीं मिली, तो उन सबको मैं बहुत अच्छी लगी, उसकी मम्मी को, उसके सब रिलेटिव्स को, तो इसके मामा मदर भी मेरे साथ बात करते रहे फोन पे, सारी बातें वो मिठू से जो शेयर ना कर पाते थे वो मेरे से करते थे, तो फोन करते रहते थे दिन रात। आज भी उसकी मम्मी का नंबर मेरे फोन में सेव है, तो पुलिस को भी मैंने ये बोला कि अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप उसको लोकेशंस निकलवा के, कॉल डिटेल्स निकलवा कर देखो कि वो मुझे मिलते थे या नहीं मिलते थे। तो वो उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, वो यहाँ तक बोलती थी कि अगर तुम्हारे बेबी ना हुआ तो हम अपना छोटे बेटे का मतलब उसकी मैंने शादी करवाई, चलो इसके भाई की, तो उसका बेबी होगा तो मैं तुम्हें दूंगी उनसे लेकर, तो यहाँ तक मतलब अडॉप्टेशन के बारे में भी उसकी मम्मी ने मुझे बोला। जब उसकी मम्मी को पता था कि मैं किन्नौर हूँ इसीलिए तो उन्होंने अडॉप्ट करने के लिए बोला ना बेबी, तो ये तो अब झूठी बातें हैं, मुझे नहीं पता था। और कई बार इनका फोन वेटिंग पे आता था मिठू का। अभी मेरे पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी शादी के बाद, तो मेरे पटियाला में किन्नौरों का विवाद चल रहा था हमारा, वो भी सबको पता, आपको भी पता है। उस विवाद में
तो मेरे पे एक फैब्रिकेटेड वो पर्चे हो गए थे, तो उस करके मुझे थोड़ा अंडरग्राउंड होना पड़ा। तो वहाँ पे भी ये मेरे पास अपना ना सेपरेशन जैसे कोई बंदा करता है तो पता चल जाता है। तो मैं सोचती थी मैं इतनी परेशान हूँ इस दिनों में, इन दिनों में मुझे मिठू की इतनी जरूरत है, तो वो मुझे इग्नोर करता है दिन रात, क्योंकि मेरे पे इतना बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। तो इसका फोन रात को वेटिंग में, दिन में वेटिंग में, हर टाइम वेटिंग में। चलो मुझे ये लगता था भी नहीं, चलो ये पॉलिटिशियन है, चलो इनके आते जाते रहते हैं। लेकिन एक नंबर मेरे लिए स्पेशल लिया हुआ था, इन्होंने बोला कि ये मेरा लग नंबर है, मतलब मैं इसको यूज़ तेरे लिए करता हूँ। फिर वो मैंने बंद करवा दिया था। एक दिन मुझे ऐसे ही डाउट हुआ, मैंने फ़ोन करा, वो इनके पास था, वो वेटिंग पे आ रहा था, वहाँ से मेरी लड़ाई होगी इनके साथ। तो मैंने बोला आपका फ़ोन वेटिंग पे आता है मिठू, आप मेरी तरफ तो ध्यान नहीं देते, मुझे फ़ोन नहीं करते, मेरे क्या आप, मैं मतलब इतनी अलोन हूँ यहाँ पे, काफ़ी दूर गई हुई थी मैं, काफ़ी लोनलीनेस में मतलब वहाँ पे फील कर रही थी, बड़ी टेंशन में थी, बहुत घबरा रही थी। तो इसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था, एक मुझे उधर की टेंशन, एक इसकी टेंशन, एक उधर की, एक इसकी, और उससे भी ज़्यादा टेंशन मुझे इसकी, सबसे बड़ी टेंशन। तो इसने बहुत बड़ा मेरे साथ दीदी ये धोखा करा। आके फिर उसके बाद इसके ना मतलब जब मेरी मतलब इंटरिम बेल हुई वहां से, आफ्टर बेल में इसके घर पे ही गई सीधी। तो मुझे ये देख के अमृतसर भाग गया, पता नहीं कहाँ भाग गया। मैंने अपना फिर इसका मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे इसके इसी के फ्रेंड्स ने बताया कि वो हमारे साथ है, आप मेरा नाम मत लेना, मैं अभी भी उसका नाम नहीं लूंगी, तो कि भी हम अमृतसर जा रहे हैं, वो तुम्हारे से तुम सेपरेशन चाहता है, वो तुम्हें मिलना नहीं चाहता। तो ये मतलब पता नहीं कहाँ दे दी। फिर वहाँ से एक दिन लगा के आ गया, गांव में रहा, कहाँ रहा, एक इसके साथ है और एक बुड्ढा सा है, एक इसका इसका फ्रेंड है, वो हरजीत है उसका नाम, वो भी गांव का ही है, वो भी इसके साथ ये मतलब पुठे सीधे काम मिठू से करवाता रहता है। उसका भी करेक्टर कोई इतना अच्छा नहीं है बुड्ढे का। तो वो बुड्ढा बहुत चलाक है, उसने अपने घर में उसको बना देता था, कभी मेरे बारे में भड़काता है, कभी कुछ, नहीं मिठू तेरी और लड़की से शादी करवाऊंगा, तेरे को ऐसे करूँगा, तेरे को वेल सेटल लड़की देंगे, तेरे को बाहर लेके जाएगी या तेरे को आगे लेके जाएगी। तो ऐसी ऐसी बातें मुझे भी सुनने में मिली। मैंने वो ना फिर मतलब जब मैं गांव में गई तो मैं उसके घर में भी गई उसको ढूंढने के लिए मिठू को। तो वो मुझे मैं चार दिन उसके घर में बैठी रही मिठू के घर में, तो ये आया नहीं। तो उसने बाद में मेरी फिर कंप्लेंट दे दी कि मतलब सिमरन मुझे तंग परेशान करती है, घर में आके धमकियां देती है मेरे साथ, मतलब भी मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता, ये मतलब बहुत ऐसे है वैसे, पता नहीं क्या क्या एलिगेशंस इसने मेरे पे लगाए। तो वो कंप्लेंट इसने जब दी तो उसके फिर मैं गई वहाँ पे, मैं एकदम शॉक्ड कि मिठू ने मेरी, चलो मेरे तो पहले ये था कि चलो हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी बातें हो जाती हैं कि यहाँ थाने में तक मतलब वो कभी जाएगा नहीं। मुझे पुलिस वालों को फोन आया SHO का कि मिठू की सरपंच की मम्मी ने मतलब तुम्हारी कंप्लेंट दी। मैं क्या उनको तो मैं अपना रब मानती हूँ, जिन्होंने अपना बेटा मुझे सौंप रखा है, मेरे पास आता जाता है। तो वो मिठू मतलब डेली आता जाता था ना, मम्मी उसको रेडी करके भेजती थी, कभी मेरे लिए क्या भेजना उन्होंने गाँव से, कभी क्या भेजना साथ में वो लेके आता था। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस में ले रखा था, कभी मेरा मम्मी के साथ भी झगड़ा नहीं हुआ, उनको बहुत प्राउड था उसके मामा को मेरे पे। तो उसकी मामा से मेरी बात होती रहती थी। फिर इनके गाँव का एक सर MLA साहब है, गोल्डी सर है वहाँ पे, और उनकी मिसिज है सिमरत कौर है, और उनको भी मैंने बताया ये सब बात, वो भी बहुत अच्छे हैं दोनों। तो मैंने उन वो इनके बॉस हैं मिठू के, तो उन्होंने भी मेरे बड़े अच्छे तरीके से बात सुनी, उन्होंने रिजॉल्व करवाने की कोशिश करी, लेकिन मिठू ने मतलब कोई मतलब उनको रिस्पांस नहीं दिया। उनको बोला मतलब उसकी मिसेज को कि मैंने अपनी सेपरेशन करनी है अब इससे। मुझे ये नहीं पता लगा कि वो सेपरेशन क्यों चाहता है, शादी करवा के सब कुछ करवा के, मेरी इतनी इंसल्ट करवा के, इतना हाईलाइट होके, मतलब ऐसा उसने क्यों करा ये मुझे भी। आपने फाइनेंशियली उसके पीछे आपने कितने स्पेंड कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी और उसके साथ साथ तुमने कितनी उसको सपोर्ट कर दिए, तुमने उसके पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के लिए भी तुमने सपोर्ट किए हैं, उसकी स्टैंडिंग एक अपनी एक समाज के अंदर अपनी एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर स्टैंडिंग होने के लिए भी तुमने बैकबोन बने रहे उसके लिए भी, तो उसके बावजूद भी आप वो इग्नोर करते रहे और एक अपना दोहरी चेहरा मतलब एक चेहरा अपना एक पर्सनली लाइफ का एक प्रोफेशनली लाइफ का जैसे बनाते गए तुम्हें, तो तुम्हें
समझ में नहीं आया बीच में, जब पहचानने के भी मुझे ना इनके मामा समझा, मैंने इनको मामा को कई बार कंप्लेंट करी कि मामा देखो ये ऐसे करते हैं, मेरा फोन नहीं उठाते, कंप्लेंट, मुझे टेंशन हो जाती है क्योंकि मैं फिर अकेली हो जाती थी शाम को, दिन में दिन तो मेरा स्पेंड हो जाता था और रात को मैं अकेली नहीं रह पाती थी, तो फिर ये आ जाते थे मेरे पास रोज, है ना। तो वो कहते थे नहीं सिमरन वो बिजी है आज मीटिंग में, वो रिस्पॉन्सिबल है, आज गाँव में यहाँ पे झगड़ा हो गया, वहाँ पे हो गया, ये हो गया वो, मैं फेस करती गई, मतलब कोई बात नहीं। फिर भी ये पहुंचे तो जाते थे मेरे पास, आते जाते थे घर पे। और फिर उसके बाद मतलब फाइनेंशियली अगर आप पूछ रहे हो मेरे से भी कितना क्या करा, पहली बात मैं बताना नहीं चाहती थी कि चलो अच्छा नहीं लगता है ना जो हो गया, तो आपने हो गया। बताने के बाद ही तो हमें पता चला, तो लाइक नहीं मैं ये पहले बताना नहीं, मैंने कभी आज तक इंटरव्यू दिया ही नहीं अच्छा। इस बात का वो मीडिया वालों ने बहुत पूछा कि सिमरन जी आपकी शादी हुई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, मैं चुप कर जाती थी, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आज ये दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ द आपको सामग्री विद यू सिमरन, बट यू नो ये दो टू मैटर्स ना आई हैव अ कंफ्यूजन, ब्रिंगिंग मी कंफ्यूजन, व्हिच टाइप ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन इज अ वन मैटर इज द यू आर टेलिंग यू अगर शादी से पहले दो साल तुम्हारे साथ वो रिलेशनशिप में भी रहे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल, तो उसकी शादी के बाद भी दो साल रिलेशनशिप में रहे तो उसके बाद तुम्हें एक किन्नर नाम से पहचानते हैं वो, तो सारी दुनिया पहचानती है तो, जब कहीं जाते तो उससे थे तो पहले उनको पता नहीं था मैं किन्नर से शादी कर रहा हूँ, पता था। तो फिर उसके बाद फिर उनके बोलने की क्या मतलब है, मतलब जैसे शायद वो ये इंटरव्यू देख के अपना वो इंटरव्यू वो भी देगा अच्छा। तो मैं ये चाहती हूँ वो अपने मम्मी पापा के सिर पे हाथ रख के कसम खा के बता दे पूरी फैमिली वालों को कि उसको ये नहीं पता था कि मैं किन्नर हूँ, उसको सब पता था, जब मैं हर फैसिलिटी उसको देती थी, सब कुछ करती थी, सारा उसका खर्चा उठाती थी, और अब मैं बताना नहीं चाहती थी, मुझे शर्म भी आती है, लेकिन अब मैं बताऊंगी इंटरव्यू में भी, उसके घर के दूध तक का खर्चा, उसके घर का बिजली का खर्चा, उसके घर का राशन फाशन का खर्चा, उसके घर में हर फैसिलिटी, सारे गांव वालों को पता है कि मिठू के घर में इतना कुछ तो था नहीं, तो ये कैसे होगा, उसके घर में पहले व्हाइट वॉश करवाई, मतलब सारा कुछ उसको लेवल पे थोड़ा सा लाई में, है ना, भी नहीं भाई इसका चलो थोड़ा सा होना चाहिए, उसको गाड़ी लेके दी, फिर उसको जैसे कपड़े चाहिए होते थे ब्रांडेड, मुझे अच्छा नहीं लगता था जब उसका पहले वो मुझे मिला, है ना, तो पहले मुझे ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर गरीब है तो कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा है इसने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया, चार बंदों में बैठता उठता है, और इसने अपनी बुक दी थी कि मैं बुक भी लिखता हूँ, तो मैं पूरी इंप्रेस्ड हो गई थी इससे, मिठू से भी, चलो ठीक है मेरे को अच्छे इंसान की जरूरत है। फिर मैं इनको धीरे 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 मतलब अच्छे अच्छे लीडरों से मिलाती थी और लोगों को मिलाती थी, अपनी फैमिली में लेके जाती थी कि नहीं इसकी इनकी हेल्प करनी है, पहले कहीं भी मैं बैठती थी मैं अपनी बाद में करती थी, इनकी सबसे पहले करती थी कि इनको मैंने आगे लेकर आना मिठू को, है ना। तो चलिए कोई नहीं, आप इतनी अपने आप को कमजोर ना बनिएगा, मगर मैं दोस्तों देखिए पहले तो मैं अपना आपका बात काट रही हूँ, मगर फिर भी मैंने अपना एक सिमरन नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी के अंदर तो बहुत सारे ऐसे सिमरन जो धोखे खा के बैठे हैं। तो फिर उसके बाद आती है मतलब फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी मेरी उसके बाद, तो फिर ये माने नहीं, मतलब मैं आती जाती रही, थाने में भी मैंने दिया बयान, मुझे तो ये था कि शायद वैसे लड़े हो भी, चलो कई बार बंदे की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, शायद रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर ये मतलब इन्होंने इनके फ्रेंड्स को मैंने पूछती रही कि मतलब मिठू का क्या व्यू हुआ है ना, तो वो कहते थे कि नहीं वो तो हमें ये कह रहा है मिठू कि मुझे तो पता ही नहीं है कि सिमरन, मुझे बाद में पता चला शादी के बाद कि वो किन्नर है, तो ये सुन के मैं बहुत इमोशनल थी, बहुत रोई और मतलब बहुत टेंशन में थी कि मतलब मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई, मेरे सामने भी उसने बोला कि मुझे पता नहीं था मेरे साथ ये धोखा हुआ है, पता क्या कह रहा है, एक सुनने वाली बात है, क्या कह रहा है लोगों को, क्या कह रहा है वो, कह रहा था कि मतलब सिमरन ने ऐसे करके शादी करवाई है कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करवाओगे तो मैं तुम्हारे पूरे किन्नर लगा ला कर ना तुम्हारे गाँव में तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी, जबकि वो पढ़ा लिखा सरपंच है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको सब जानते हैं, अभी वो सिफारिशें लगवाता है मंत्रियों की, कभी किसी की, कभी किसी की, जहां मैं एप्लीकेशन देती हूँ
चलो वो तो चलो नहीं बॉदर किया जाता, मैंने भी उनको बोला, सबको बताया इसके बारे में, पूरे पंजाब के जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं सीनियर, उनको सबको मेरे बारे में भी पता है, उसके बारे में भी पता है, और हमारे दोनों का ये झगड़ा भी पता चल चुका है अभी तो. तो मैंने उसको बोला अगर मैं तुम्हारे को ब्लैकमेल करके शादी की है तो तुम उस टाइम रोला पा देते, तुम कंप्लेंट करते मेरी, तुम इतने बड़े रिस्पॉन्स, कोई छोटा मोटा कोई कॉमन पर्सन तो था नहीं वो, है ना. तो उसके पास एक दो और भी डेजिग्नेशन थे, तो वो मतलब किसी ना किसी को बोल के मतलब मेरी कंप्लेंट डालता या कुछ करता, तो ये तो उसका बिल्कुल झूठ है कि मतलब अलग होने की बातें, अलग होने के मतलब है ना वो, मतलब एक्सक्यूजेस बनाते हैं. वही तो, एक इंसान अगर पहले रात जो बोलते सुहाग रात जिसको कहते हैं, बुरा नहीं मानना, नहीं, 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 तो उस टाइम पे जब तुम्हें नहीं पहचान पाए तो फिर उस टाइम पे नहीं पहचान पाए तो फिर दो साल बाद तुम कैसे किन्नर निकल गई. बात ऐसी है, मैंने आपको पहले भी बताया, जब मेरे साथ ये घूमने फिरने जाते थे ना, फिर मनाली भी गए, शिरडी भी गए, तब से हम दोनों रिलेशन में ही थे, दोनों रिलेशन में थे, और अपना शादी में तो हमने होना ही होना था, है ना. तो वो इसको पता ही था, तो वो शादी के अगले दिन की फोटोज में दिखा रही हूँ, उसमें किन्नर्स बैठे हैं, शादी में किन्नर है, उसके एक दो दिन पहले वो बटना लगाते हैं ना, हल्दी लगाते हैं हमारे, उसमें भी किन्नर लगा रहे हैं. तो वो सारी फोटोज में दिखाया जाएगा कि किन्नर हल्दी लगा रहे हैं, किन्नर शादी करवा रहे हैं, साथ में किन्नर्स हैं, तो मतलब ये कैसे मतलब वो क्लियर कर. मुझे भी ये बात सुनने में आया. एक्चुअली देखिए मैं ये बता रही हूँ कि अगर मैंने तो अपने सुनने में तो नहीं गई थी, उनको आमना सामना भी नहीं की, फेस टू फेस भी नहीं करी, मगर ये बात सुनने में आया कि दो साल बाद इनको अभी पता चल रहा कि ये किन्नर के साथ मैंने शादी कैसे कर लिया बोल के. मगर फिर भी अगर मैंने सोची बहुत अच्छी तरह सोच समझने के बाद, तो इसके लिए हमारा पंजाब गवर्नमेंट हो या वुमेन सेल जो अगर देखा गए तो हम ट्रांस वुमेन है, अगर हमने एक्सेप्ट किया गया तो एक्सेप्ट करना है तो हम वुमेन सेल जो पंजाब वुमेन सेल से हमने एक्सेप्ट किया जाता है, हमारे लिए न्याय मिल पाएगा. तो वहां से आपने कोई अपील किया है? हाँ जी, मैंने बिल्कुल अपील किया. यहाँ पे तो मैं किसी रेमेडी में नहीं गई थी, तो मैं मनीषा गुलाटी मैम का नाम सुनती थी, हमारे डायरेक्टर है वो अपना पंजाब राज महिला कमीशन जो है मनीषा गलाटी, तो मैंने उनको भी ये एप्लीकेशन मतलब दी, वहाँ पे मैंने केस डाला, वो अच्छी जस्टिस, ये वो अच्छी जस्टिस हैं. तो वहाँ पे हमारी दो तीन हेयरिंग्स हुई. पहली हेयरिंग पे मिठू नहीं आया, उसका एसएचओ को इंटीमेट करा गया, तो एसएचओ को ये बोल देता, क्योंकि गांव का सरपंच है, पहले भी मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी कि किसी का सम्मान हो या कुछ हो, ये अपने फ्रेंड्स की बड़ी मदद करता है एसएचओ के साथ मिलके. जब पुलिस इतने बड़े कोर्ट से वो इंटीमेंटेशन पहले डीएसपी के पास जाता है, फिर एसएचओ के पास जाता है, तो फिर एसएचओ ने उसको दिया नहीं, वो कह रहे मेरे को तो पता नहीं चला, है ना, मतलब ऐसे वो इग्नोर करता है उसको. तो फिर नेक्स्ट टाइम मैंने वहां पे बैठ के मैडम को बुलवाया कि एक दिन पहले भी इसको इंटीमेट करो, उसके अगले दिन भी इसको इंटीमेंटेशन दो. तो उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली इसको बोला कि इस बार तुम्हें आके अपनी स्टेटमेंट देनी है, तो आओ आप, है ना. तो आए, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि मुझे पता नहीं था, सिमरन ने मुझे बहला लिया, सिमरन ने मुझे ये कर दिया, मेरे साथ लड़ती थी, मेरे को मारती थी, मेरे को पीटती थी, ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल रही थी. जिस बंदे को मैंने इतना करा है ना सब कुछ, मतलब उसको मैं कभी वैसे मार सकती थी, मतलब ऐसी ऐसी झूठी झूठी बातें उसने वो बोली, तो मेरे दिल में और नफरत बढ़ती गई उसके बारे में कि ऐसे मुझे कह रहा है, बताओ, है ना. तो फिर उसके बाद मैडम ने फर्स्ट हियरिंग में उसको भी बोला अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं तो तुम भी अपने लेकर आओ, सिमरन को, सिमरन भी मेरे क्लोज नहीं है, आप भी मेरे क्लोज नहीं हो, आप एक जस्ट आप क्लाइंट हो, आप आए हो, आप अपनी अपनी समस्या बताओ. तो इसने मतलब फिर नेक्स्ट हियरिंग पे फिर ये फिर नहीं आया, मुझे भी बुलाया मैम ने, है ना, मैं तो गई अपने अटेंडेंस लगा कर आई वहाँ पे, तो ये उस पे भी नहीं आया. उससे पहले ये मतलब काफ़ी फोन करवाते हैं, वो सिफारशें लगवाते हैं, हमें भी पता चल जाता है, मैं भी पॉलिटिकल लीडरों में आना जाना लगा ही रहता है ना, तो बैठना उठना हमारा भी है, तो पता चल जाता है. तो फिर मैंने उन लीडरों को बोला कि आप इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो, आपने इतने आपने अपने कांग्रेस यूथ कांग्रेस में ऐसे फेक पर्संस को रखा हुआ है, करप्टेड लोगों को रखा हुआ है, तो ये अच्छी बात है, अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर आपकी रेपुटेशन खराब होगी. मैं आज भी पूरे पॉलिटिकल पंजाब के जितने भी लीडर्स हैं यूथ कांग्रेस के, उन सिमरन में एक बात काट रही हूं आपका, यहां किसी पार्टी की बात नहीं चल रही है, मगर जो मैं कहती हूं कि हर
मोड़ पे मैं हर इंटरव्यू पे चाहे हर लोगों के साथ मैंने ये बात जरूर बांटती हूँ कि गुड गवर्नेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑनेस्टी। तो ये पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो, वो हर पार्टी में एक कोई ऑनेस्टी बंदा होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारा कोई ये मकसद नहीं था कि हम किसी पार्टी के लिए या किसी और किसी व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की कोई बदनामी हाँ करने के लिए यहाँ पे बैठ के किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रही। जस्ट मैं ये बता रही थी कि ऐसे ऐसे ये अप्रोचेस करवाता रहा। जब ये अप्रोच करवाता रहा तो मतलब मैडम, वैसे तो मैंने ऐसे जस्टिस कोई भी देखी नहीं है। मनीषा गलाटी मैडम बहुत अच्छे हैं, वो उनका बहुत नाम है, बड़े मैं देखती रहती हूँ वहाँ पे। जब मैं जाती हूँ 200-200 लड़कियाँ खड़ी रहती हैं, उनको सबको रिलीफ दिलवा कर भेजती हैं। तो मैंने भी केस डाला था कि मुझे भी रिलीफ दिलवाएंगे। तो मतलब मैडम के पास में मैंने जो एप्लीकेशन दी हुई थी, मेरा केस चल रहा था, तो उन्होंने ये नेक्स्ट रेमेडी में डाला मेरा केस, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। ये देखो, क्योंकि जब ये ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे कोई किसी की सिफारिश नहीं चलती, कोई कुछ नहीं, दूध का दूध पानी का पानी होता है यहाँ पे। पंजाब का बहुत बड़ा ये सेल है और इसमें मैम ने ट्रांसफर करा है। अभी मैं ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वालों से भी और मैडम से भी ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे लाइफ का जो ये जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ है, इतना बड़ा ये मतलब क्राइम हुआ है एक तरह का मेरे साथ, तो इस चीज की उसको उसके गुनाहों की मतलब जो सजा है मिठू लड्डे को मिलनी चाहिए। क्योंकि वो बहुत फेक पर्सन है, बहुत शक्ल से इतना भोला बन जाता है। मेरी सारी फैमिली ये कहती थी ये तो लड़का बोलता ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छा सिमरन, तुमने तो बहुत अच्छा हस्बैंड चूज करा है, मतलब चलो तेरे साथ खड़ता है, तेरी पसंद है, तेरी ये है तेरा। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये टोटली मनी माइंडेड पर्सन। तो कभी मुझे ये ले दो, कभी एप्पल का फोन ले दो, कभी फलाना कर दो। शादी से पहले वो कभी आप पे कोई खर्चा गिरचा किए थे क्या? शादी से पहले? हाँ जी। या आपके रिलेशनशिप फ्रेंडशिप पहले जब भी आपको उन्होंने अपनी तरफ जो इम्प्रेस कर रहे थे, उस टाइम पे तो कुछ ना कुछ तो खर्चा किया ही होगा आप पे, पैसे पूसे? आज तक उसने मुझे कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो अभी लास्ट में आकर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो जो वो मैंने पैसे दे रखे थे ना, उसको मैंने मिठू को बोला भी मुझे हेल्प चाहिए अभी तुम्हारे से। तो मैंने बड़ा हंस के बोला, मुझे शर्म भी आ रही थी कि मैंने आज तक इनको बोला नहीं है। तो इन्होंने कुछ पैसों की मेरे को हेल्प करी थी, दिया था। तो वो इस करके किया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी दे चुकी थी, मैं दे रखे थे इनको पैसे, काफी देती हुई रहती थी, है ना। अभी वो जो पैसे इकट्ठे करते थे कि मुझे वहां चाहिए, मैंने इसका देना उसका देना, जान के अपने फ्रेंड्स के साथ फोनों पे बात करवा देते थे। मैंने देखो सिमरन स्पीकर ऑन करके सुनो मुझे कैसे तंग कर रहे हैं, मैंने इसका इतना पैसा देना है, इसका इतना देना है। तो अगर मैं नहीं भी देती थी ना, तो ये मुंह बना के फिर आता नहीं था मेरे पास, वहां पे बैठा रहता था। फिर मुझे मजबूरी में फिर देना पड़ता था, फिर सब कुछ करना पड़ता था। मतलब मैंने बहुत कुछ झेला इसके पीछे, बहुत कुछ, जो मैं अभी इंटरव्यू भी बताते हुए मुझे खुद पे भी आजकल शर्म आती है कि ऐसे इंसान के साथ मैं कनेक्टेड थी, है ना। तो इसको मैं अपना बैड लक ही मानती हूँ कि वो मेरा बैड लक था। जो उसने गुनाह किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मतलब और अभी मेरे दिल में मतलब दुख मुझे रोज लगता है, ये सब बातें सोचती हूँ शाम को सुबह, मतलब ये सोचती रहती हूँ, दुख तो मुझे बहुत लगता है। लेकिन जनरेशन के लिए आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, यूथ जनरेशन के लिए, जैसे हमारे ट्रांसजेंडर्स किन्नर जो बच्चे आजकल छोटी उम्र से टीन एज में वो भी अपना फ्रेंडशिप कर लेते हैं, है ना। बायोलॉजिकली तो हम गर्ल्स ही होते हैं। नहीं, सही बात है, बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स है इसी प्यार को लेके, ये पागलपन जो ये प्यार जो है हमारे समाज के अंदर सच्चा प्यार नहीं मिलने वाला। नेवर। मैं अपनी समाज के अंदर बात कह रही हूं। देखो मिठू लड्डे ने तो ये एक ये इतिहास पैदा कर दिया। सही बात है, ये नहीं मिलने वाला है। और ये पंजाब का मुझे कहते हैं कि फर्स्ट केस है, सारे मुझे ये कहते हैं। तो इसने तो ये इतिहास ही मतलब रच दिया, किन्नर समाज में मिठू ने ये इतिहास रच दिया कि हम लोग शादी करवा के भी तुम्हें कॉन्फिडेंस में लेके तुम्हें लूट को सुट के फिर भी हम तुम्हें धोखा देंगे। फिर भी वो पीठ के पीछे खंजर चला के गया, वो उसको जो बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। फिर भी आप तो समाज के सामने अपनी दुकड़ा लेके आ गए, मगर बहुत सारे सिमरन ऐसे हैं जो उन्होंने आगे नहीं आ पाए, बहुत सारे सिमरन तो डिप्रेशन के और चले गए। आज आज ही की ये इंटरव्यू करने का मेरा मकसद ये है कि जो जेनरेशन है
वो अभी भी मुझे बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं, मतलब फ्रेंड्स करती हैं मेरी कि सिमरन हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, ये है वो, मैं उनको भी सजेस्ट करती हूँ कि कभी आपने आपको मतलब वीक ना समझो, हम सॉलिड हैं। जब हम मर्द बन के उसके साथ शादी करके, मर्द के साथ शादी करके उसको हम कमा के देते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारे नंगे पैरों की ये कमाई खाते हैं, अपनी कमाई उसने आज तक मुझे नहीं दे, तो फिर हम उन जनानों से थोड़ी डरेंगे। मैं तो उन्हीं को किन्नर मानती हूँ, अपने आप को खुद को मर्द मानती हूँ मैं। हम तो मर्द है जो अपना इन सबको कर करके देते हैं। मतलब एक हिजड़ा जो बोला जाता है, हिजड़े तो साले ये हैं जो चूड़ियां डाल के बैठ जाते हैं हमारे सामने कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, ऐसे फेक लोगों से हमें प्यार नहीं करना चाहिए। और ये मतलब मैं जेनरेशन को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी अपने आप को वीक ना समझो और उसको चोर को चोर के घर तक छोड़ कर आओ। मैं यही उम्मीद करती हूँ सारी जेनरेशन से। और अपने पूरे मतलब जितना भी मेरा ये अपना मैंने जौन जौन सी रेमेडीज में डाल रखे हैं, मतलब कोर्ट में न्याय न्याय में न्याय के लिए मैंने जो डाल रखा है, तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे इंसाफ दिलवाए। तो कुछ लोगों ने मेरी बड़ी कंप्लेंट्स करी वहाँ पे जाके, मनीषा गुलाटी मैम को भी, मेरे एंटी पार्टीज वाले जो हैं कि नहीं ये सिमरन तो मतलब किन्नर है या मतलब ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये वुमेन्स कमीशन के पास कैसे चलेगी। तो मैडम ने, मैडम को मैंने भी बोला कि मैम अब आप क्या करोगे, वो ऐसे बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप में फीलिंग्स तो है ना। अच्छा सिमरन, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे कैसे अट्रैक्शन हुए आप पे, जो मिट्टू लड्डा जो है वो आपसे कैसे अट्रैक्शन हुआ और तुम्हारे कैसे उसके साथ अट्रैक्शन हुआ, ये तो बताए नहीं आपने। अट्रैक्शंस तो मतलब अट्रैक्ट तो वो था ही, मतलब है ना, अट्रैक्शंस पूरी थी उसको। अट्रैक्शंस जब थी तो इस करके वो मेरे साथ आता जाता रहा, उसने मेरे को फाउंड करा, उसने बातें चीतें करता रहा, सारी सारी रात बातें करता रहता था। तो जब हम कहीं जाते थे तो वो भी मेरे पास आने जाने लग गया था, कॉन्टिन्यूस डेरे में आता जाता था। तो ही इंजॉयड एवरीथिंग, he enjoyed with my parts, with my organs, with my everything, है ना, वो enjoy करता रहा। तो उसकी attractions बढ़ती गई। तो मैंने उसको ये भी पूछा कि मैं मतलब जैसे मैं, हम लोग किनर होते हैं, तो मिठू आप satisfied हो हमारे साथ? After 2 years, हाँ मैं पूछ बता रही हूँ, let me complete 2 साल बाद, हाँ, वो तुम्हारे पर blame लगा रहे हैं। मैं उससे पूछती रहती थी कि आप satisfied हो, सच बताओ आप सेटिस्फाइड हो कसम से। वो कहता था कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे तेरे से बिना और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन बाद में जब वो सेपरेशन करने का सोचने ही लग गया है ना, तो सेपरेशन करके वो मतलब ये सोच, फिर वो ब्लेम लगाने लग गया मुझे कि मुझे वो पता नहीं था कि ये लड़की नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये डिमका नहीं, मुझे सोच के एकदम मतलब सारा मतलब मेरा माइंड चेंज हो गया। और ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि कैसे मैंने इस बात को, जब मुझे ये मेरे हस्बैंड से शादी के बाद सुनने से, मुझे ये बात मतलब शादी होने के बाद ये सुनने से मिला कि तुम लड़की नहीं थी, ये थी वो थी, मैं तो एकदम बहुत शॉक्ड थी कि ये लड़का ऐसे भी मिठू मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं। मतलब वही तो, शादी के 2 साल बाद आपको ये ब्लेम दिया जा रहा है कि आप वुमेन नहीं है, पूरी तरह औरत नहीं है, तो फिर वो 2 साल तक आपके साथ कैसे उनकी रिलेशनशिप रहा? आप मुझे आप दीदी मुझे एक बात बताइए, मुंह करते थे, हाँ मुझे एक बात बताइए, वो पढ़ा लिखा सरपंच था गांव का, टीन एज में वो छोटी उम्र में वो कहता कि मैं छोटी उम्र का सरपंच हूँ यूथ कांग्रेस में। तो अगर वो छोटी उम्र का सरपंच है, तो जब वो मेरे साथ आता रहा, जाता रहा, रहता रहा, पहता रहा, सब कुछ उसका मेरे साथ था, तो क्या उसको पता नहीं था? आजकल ऐसा कौन सा लड़का है कि हम किसी के साथ हम 2 जने रूम में हैं, तो कौन, क्या उसको पता नहीं चला कुछ भी? सब कुछ उसको पता था। ये उसका एक ब्लेम है। और ये फेस तो आपको पता ही है दीदी, हम तो शुरू से ही करते आते हैं। पहले हम अपनी फैमिली से अलग होते हैं, है ना, तो फैमिली से हम बहुत वो दुख का एहसास हमें ही है, मतलब जो ऊपर वाले को है। सही बात, लोगों को तो सुन के पता चल जाता है कि हाँ ये बेचारे दुखी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे साथ होता है वो चीज,
वो दुख वो दर्द वो हम महसूस करते हैं, फिर उसके बाद हमारे गुरु चेलों में फिर हम सोसाइटी में फेस करते हैं, सोसाइटी में हमें अलग अलग तरह के कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स वो मिलते हैं, हमें वो सब फेस करना पड़ता है। लाइक फिर उसके बाद हम अपने गुरु चेलों में गुरुओं के साथ बड़े सारे आसे मतलब शहर में अपना है ना हर तरह के मतलब आद विवाद वो सब चलते रहते हैं, फिर हमें वहाँ पे फेस करना पड़ता है। और ये तो अलग किस्म का सब वो फेस मेरी जिंदगी के मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे जो मुझे ये फेस करना पड़ा है। ये तो क्राइम के ऊपर से क्राइम से भी बड़ा क्राइम महाक्राइम इसने मेरे साथ कर दिया ये सब बोल के, और इसको तो कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि देखो मतलब हम सच्चे मैं तो बहुत मतलब दिल से जैसी मैं शक्ल से दिखती हूँ वैसी अंदर से भी हूँ, मेरा तो बहुत क्लीन मतलब हार्ट है, क्लीन माइंडेड हूँ मैं, तो उस बस इसी चीजों का उसने नजायज फायदा उठा लिया मिट्ठू लड्डे ने मेरा। चलो आने वाले समय में आपको जरूर न्याय मिलेगा, ऑडियंस को भी पता है और आपको भी पता है लाइफ में स्टार्टिंग में हमें बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। पहले हम अपने पेरेंट्स को छोड़ते हैं, फिर हम अपने भाई बहनों को छोड़ते हैं, फिर हम सोसाइटी में आ जाते हैं, सोसाइटी में आकर फिर हम अपना मतलब सोसाइटी से फेस करते हैं, तो फिर गली गुवांड वालों से अपने नेबरों से फिर हमारे विवाद जो है अपना गुरु चेलों में चले जाते हैं, कुछ हमारे अपडेशन चलती रहती हैं फ्लैक्चुएट होती रहती हैं कुछ बातें गुरु चेलों की, फिर हम उनको फेस करते हैं मतलब स्टार्टिंग से हम लोग फेस ही करते आते हैं हम, तो उन चीज़ों के साथ लड़ना मुश्किलों के साथ कठिनाइयों के साथ झेलते 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 तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं। सारे हमारे जो सीनियर्स हैं हम उनको भी देखते हैं ना, तो वो अपना सब दुनियावी चीजों से हटके अपनी अलग सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उनमें जश्न मनाते हैं, कोई प्रोग्राम्स करते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो मतलब हमारी सोसाइटी के होते हैं, तो लोग हमें मतलब प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं करते, उनको मतलब हमें देख के कई बार मतलब वो थोड़ा डिफरेंट फील करते हैं। लेकिन एक आशा की ऐसी किरण आई थी मेरी लाइफ में जो मैं ये भूल गई थी, जिसने मुझे ये बुला दिया था कि सिमरन मतलब आप किन्नर नहीं हो, आप मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें अपना वाइफ वाला दर्जा दूंगा, तो इस मतलब तुम्हें मतलब बिल्कुल अपने साथ रखूंगा, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस में मुझे लिया उन्होंने। तो वो मिट्ठू लड्डा जो मेरी लाइफ में आया था, मतलब मुझे ये था कि चलो इन्होंने बहुत अच्छा मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया लाइफ का है ना, तो मैं बहुत खुश थी मैरिज से पहले जब मैं उनके मुंह से ये सुनती थी, मैं तो इमोशनल हो रही हूँ कोई बात तो कि मतलब मैंने तेरे से शादी करनी है, तो शादी भी हुई सब कुछ हुआ, तो बाद में मुझे ये नहीं पता था कि मुझे यूज किया जा रहा है। तो ऑडियंस को बच्चों को जो हमारी जेनरेशन है क्या कहना चाहते हैं हमारा, तो उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब प्लीज आप मतलब बच्चे जो है ना मतलब धोखा खा जाते हैं, हमारा ये भोला भाला जो चेहरा होता है तो लोग हमें लूटने के लिए ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब कि पता नहीं ये क्या जानवर है कि क्या है, मतलब बिल्कुल जानवर वाला बिहेव कर रहा है। जब मुझे ये पता चला मिट्ठू का कि जब उसने मुझे कहा कि आप मतलब एक लड़की ने कि ये मतलब किन्नर है, मुझे बाद में पता चला ये बात नहीं, तो ना मेरे दिल में बहुत हर्ट किया इस बात में, सही, जबकि उसको सब कुछ पता था, उसके सब प्रूफ्स हैं। शादी की पहले जब वो मुझे मिला था, जिस दिन से वो मिला था उस दिन से लेके अब तक जब तक वो मेरे साथ था तब तक के मेरे पास प्रूफ है, सारी फोटोग्राफ्स हैं, सब कुछ है। मतलब मुझे सुन के बहुत दुख लगा, चलो भगवान ने तो जो करना ही है, मैं तो ये चाहती हूँ कि जस्टिस मतलब जहां जहां मैंने डाला कि मुझे मतलब पूरा इंसाफ मिले, मैं ये चाहती हूँ। कोई नहीं, दिल छोटा नहीं करते, जरूर आने वाले दिनों में मैं अब दिल बिल्कुल छोटा नहीं करती, मैं अभी मतलब सॉलिड होके स्ट्रांग होके लड़ रही हूँ। वो एक टाइम था कि मैं उसके बिना नहीं रहती थी, मतलब रात होती थी तो मैं उनको फोन करने लग जाती थी कि आप आओ, तो वो आ भी जाते थे है ना, तो मतलब अभी मैं रह रही हूँ 6 महीने से, अभी जिंदा ही हूँ, कोई मरी तो हुए होने में, लेकिन मैं मतलब अब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैंने अपने आप को
खुद को इंसाफ दिलवाना है, उस आत्मा को इंसाफ दिलवाना है कि जिसके साथ में इतना बड़ा क्राइम हुआ, जो अब क्राइम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा ये हुआ है, तो अब वो सब मैं तो चाहती हूँ कि वो अब लोगों के हाथ में है, कि वो मतलब कैसे मुझे वो जस्टिस दिलवाते हैं, कैसे मुझे इंसाफ दिलवाते हैं। ये अब मेरा ये जो धोखा है ना, ये लोगों के हाथ में, ये ऊपर वाले के हाथ में नहीं है, ये लोगों के हाथ में है। ऊपर वाले ने तो जो करना है, भगवान ने जो करना वो तो उसके साथ हो ही जाएगा। तो अब ये मतलब ये सब लोगों के हाथ में है, ऑडियंस के, लोगों के, मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स के, मतलब जो अभी कुछ उसका हो नहीं रहा, 4 महीने हो गए, वो हर जगह अपनी अप्रोच डलवा देते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर डलवा देता है। वो मुझे कहता था कि मेरा तो कुछ नहीं कर पाएगी, है ना, ऐसी ऐसी बातें वो करता था। तो मैंने क्या करना था, मतलब जैसे अब मुझे इतना बड़ा धोखा दिया मेरी लाइफ में आके, उसने इतना बड़ा खलवाड़ कर दिया है ना, मेरी इतनी बड़ी वहाँ पे पोस्ट है तो उसमें आके उसने इतना मतलब छेड़छाड़ की, तो वो सब चीज़ें मैं कुछ इंटरव्यू में कुछ बातें खुल के भी वो नहीं बता सकती, कुछ पर्सनल बातें होती हैं। वो बहुत लॉस जो मेरे को हुआ, मेरी लाइफ ही एक तरह की स्पॉइल कर दी। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ ही स्पॉइल है, कि जस्ट मैं जी रही हूँ एक, मुझे ऐसे लगता है। कोई नहीं। जब मैं तब खुश होंगी जब वो धोखे का इंसाफ मुझे मिलेगा। दीदी कोई मिलेगा।